आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आप GSTR-9 नहीं फाइल करेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। सर, मेरी तो टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो मैं GSTR-9 नहीं फाइल करूंगा तो भी नोटिस आ जाएगा? हाँ भैया, आपको तब भी नोटिस आ जाएगा। ऐसा कुछ स्टेट्स में देखा जा रहा है कि GSTR-3A का नोटिस आ रहा है। किस केसेस में? अगर आपने GSTR-9 फाइल नहीं करा। अब इस केस में करना क्या है, हमें इस नोटिस का रिप्लाई देना है या नहीं देना? जब हमारे ऊपर GSTR-9 एप्लीकेबल ही नहीं है तो हम GSTR-9 फाइल क्यों करें? तो इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको सारी डिटेल में हम बात बता सकें। ये नोटिस आया 5 अगस्त 2021 को। इस नोटिस में एक दो कमियाँ भी हैं, मैं वो कमियाँ भी आपको बताऊँगा। अब नोटिस क्या कहता है, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46। भाई, अंडर सेक्शन 46 में आपको नोटिस आया GSTR-9 के लिए। ऐसा नोटिस आपने पहले GSTR-3B के लिए देखा होगा, लेकिन ये GSTR-9 के लिए पहली बार ऐसा नोटिस आया है। कौन से पीरियड के लिए आया है? 19-20 के लिए। अब यहाँ पर क्लाइंट के पास एक दुविधा है कि सर, GSTR-9 हमने 2 कारणों से नहीं भरी। पहला कारण तो ये था कि भाई, हमारी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ थी। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ थी तो गवर्नमेंट ने पहले ही आपको बोल दिया था कि भाई, आपको GSTR-9 ऑप्शनल है, आप भरो तो ठीक, नहीं भरो तो ठीक। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये नोटिस आ गया और आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, अप टू 2 करोड़ है, तो आपको इसका रिप्लाई सिंपल देना है कि सर, इस नोटिफिकेशन नंबर से हमारी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है और हमारे लिए ये ऑप्शनल था, इस वजह से हमने GSTR-9 को फाइल नहीं करा। आप वहाँ पर अपनी 3B की टर्नओवर बता देना, आप अपनी वहाँ पर GSTR-1 की टर्नओवर बता देना, आप वहाँ पर अपनी बुक्स की टर्नओवर बता देना, और तीनों टर्नओवर बता देना। अगर आपकी तीनों टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो ये नोटिस आपके लिए नहीं है। हालांकि डिपार्टमेंट को ये कहना चाहिए था, इन्होंने डिपार्टमेंट को अपने नोटिस में लिखना चाहिए था कि भाई, हमारे रिकॉर्ड से ये पता चला है कि आपकी 3B की टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, आपकी GSTR-1 की टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, या बुक्स की टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए हम तुम्हें ये नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट इतनी मेहनत नहीं करता। लेकिन मेरा अनुरोध है डिपार्टमेंट से, मेरा अनुरोध है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि जब आप ऐसे कोई नोटिस भेजे तो बिल्कुल क्लाइंट को स्पीकिंग नोटिस भेजे, मतलब कि उसे पता होना चाहिए कि भाई, मेरे को ये नोटिस क्यों आया, इस नोटिस में लिखा क्या है। देखो, इन्होंने क्या लिखा है, बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश, ठीक है ना, फॉर द सप्लाई मेड और रिसीव्ड एंड टू डिस्चार्ज रिजल्टेंट टैक्स लायबिलिटी फॉर द अफोर्सेड टैक्स पीरियड बाय ड्यू डेट। भैया, यहाँ पर आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, 3B की बात कर रहे हो, 9 की बात कर रहे हो, कोई क्लियर ही नहीं है। आपने यहाँ पर टाइटल में डाल दिया GSTR-9 और यहाँ पर लिख रहे हो कि आपने लायबिलिटी पे नहीं करी। भाई, लायबिलिटी तो मैंने GSTR-3B से पे कर दी है ना, और GSTR-1 में भी डिटेल दिखा दिया, इट हैज़ बीन नोटिस दैट यू हैव नॉट, ठीक है, फाइल द सैड रिटर्न टिल डेट, कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। आ रहे, आप ये लिखो ना कि आपके ऊपर ये रिटर्न लगती थी, 9 आपके ऊपर एप्लीकेबल थी, तब आपने फाइल नहीं करी। अब जो चीज़ें मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, मैं उसे फाइल क्यों करूँ? इसके बाद इन्होंने क्या गलती करी है, आगे क्या लिखते हैं, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश सैड रिटर्न विद इन 15 डेज, कि आप 15 दिनों के अंदर ये रिटर्न फाइल कर दो। अगर आपने ये रिटर्न फाइल नहीं करी तो हम आपको असेस करेंगे सेक्शन 62 में। अरे भाई, इस नोटिस को भेजने से पहले, इस सेक्शन को मेंशन करने से पहले एक बार सेक्शन 62 पढ़ तो लेते। जब मैं सेक्शन 62 को पढ़ता हूँ, मैं आपके सामने सेक्शन 62 को पढ़ता हूँ, तो सेक्शन 62 क्या कहता है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, कि आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं करी तो हम आपकी असेसमेंट कर देंगे। लेकिन कौन सी रिटर्न की बात करता है, कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेंड इन सेक्शन 73 और 74, वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और 45। तो भाई साहब, आप सेक्शन 62 तभी लगा सकते हो जब मैंने सेक्शन 39 की रिटर्न नहीं भरी, मतलब कि 3B नहीं भरी, या मैंने सेक्शन 45 की रिटर्न नहीं भरी, फाइनल रिटर्न। यहाँ पर
कहीं भी सेक्शन 44 का जिक्र नहीं है, और ये जो हमारी एनुअल रिटर्न होती है GSTR-9, ये सेक्शन 44 से गवर्न होती है। तो जो आपने यहाँ पर गलत सेक्शन कोट किया है ये गलत है, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्या ये जो इन्होंने सेक्शन 62 यहाँ पर कोट करा है क्या ये गलत है या सही है। मेरे मायने में यहाँ पर इन्हें सेक्शन 62 कोट नहीं करना चाहिए था। फिर बाद में क्या लिखते हैं कि भाई हम आपकी टैक्स लाइबिलिटी असेस कर देंगे। भाई मेरी 3B है, मेरी GSTR-1 है, वहाँ से टैक्स लाइबिलिटी असेस हो तो रही है, अब आप अलग से नोटिस क्यों भेज रहे हो। तो भैया इस बात को आपको समझना है कि अगर इस तरह का कोई भी नोटिस आपको आता है तो उसका रिप्लाई तो जरूर कर दे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये असेसमेंट कर दे। लेकिन रिप्लाई में लिखना क्या है, आपको नोटिफिकेशन नंबर आपको बता देना है। अगर आपके पास 19-20 के लोन नोटिस आए तो 19-20 का नोटिफिकेशन नंबर बता देना है, अगर 18-19 के लिए आया है तो 18-19 के लिए बता देना है, लेकिन आपको इसका रिप्लाई देना है। इस तरह के नोटिस सिर्फ और सिर्फ असेसी का टाइम खराब करने के लिए आते हैं। अगर आपको ऐसा नोटिस भेजना है, मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप ऐसा नोटिस भेज रहे हो तो यहाँ पर टर्नओवर लिख दो, थोड़ी सी मेहनत ऑफिसर को कह दो कि कर ले, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, इसी काम की सैलरी ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर एक टर्नओवर लिख दे जिस व्यक्ति को नोटिस भेज रहे हैं कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, इस वजह से हमने नोटिस भेजा। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते रहे तो इससे क्या होगा, असेसी परेशान होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इन्होंने क्या कहा कि हमने एग्जेम्प्ट कर दिया उन रजिस्टर्ड पर्सन को जिनकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ से, ये इन्होंने 2021 के लिए कहा है। 18, 19, 19, 20 के लिए इन्होंने क्या बात कही थी कि ऑप्शनल है। तो जब आपने नोटिफिकेशन निकाल कर किसी व्यक्ति को एग्जेम्प्ट कर दिया या किसी व्यक्ति को ऑप्शनल कर दिया तो वो GSTR-9 भरेगा क्यों? तो आप इस चीज़ को समझो। GST ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी नोटिस को भेजे तो उसे एक बार अच्छे से रीड करें, जो रिसेंट की नोटिफिकेशंस वगैरह हैं उसे रीड करें, और साथ में रिक्वेस्ट ये है कि भाई जैसे आप लोग हम पर पेनल्टी लगाते हो ना, असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाते हो, तो गलत नोटिस इशू होने पर डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि इन तरह के नोटिस से क्लाइंट का टाइम वेस्ट होता है। तो भैया ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, इस संडे का हमारा प्रोग्राम समझ लो 3 बजे से शाम को 7 बजे तक हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे पर हम GSTR-9C फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइल करना सीखेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेज है, क्या क्या तुम्हारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे। तो इसलिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो इस सेशन में रजिस्ट्रेशन करा लेना। सर मैगजीन आपको मिल गई होगी, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मैगजीन नहीं मिली, हमने सॉफ्ट कॉपी भी भेज दी, हार्ड कॉपी भी भेज दी, ठीक है, सबको मिल गई होगी। और कैसी लगी मैगजीन हमारी अगस्त की हमें बताना, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना सितंबर की मैगजीन में हम आपको क्या क्या ऑप्शंस दे, क्या क्या कंटेंट दे, जिससे कि हमारी सितंबर की मैगजीन भी बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है ना जी। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो लोगों ने हमारी पेन ड्राइव लिया उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो अगर कोई दिल्ली NCR में है तो इस वेबिनार को, सेमिनार को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप हमारी पेन ड्राइव अगर ले लेते हो तो आपको सारे वेबिनार्स की, सारे सेमिनार्स की रिकॉर्डिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक, और उसमें पूरा जैसे सेक्शन 62 हमने बताया है वैसे पूरा 100-150 घंटों का कोर्स कराते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।